गाइस व्हाट्सअप। सो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का पार्ट फर्स्ट ऐसे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि बहुत सारे स्टेट पीएससी इसमें पूछे जाते हैं, या फिर यूपीएससी बोल लीजिए, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछने वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या है, अब मान लीजिए कि आपको ए इंटू ए दिया हुआ है। ठीक है गाइस, तो ए इंटू ए को हम क्या कर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें ए जो होगा वो हमारा हो जाएगा बेस। ठीक है, एंड ये जो ऊपर जो टू लिखा है टू, ये हो जाएगा हमारा इंडेक्स, बोलिए एक्सपोनेंशियल या फिर पावर, तीनों भी एक ही बात है। ओके, इंडेक्स एक्सपोनेंशियल या फिर पावर ये टू हो जाएगा। ओके, तो ये तो था हमारा इंडाइसेस। ओके, सो चलिए अब हम कुछ रूल्स कवर करते हैं इंडाइसेस के लिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में क्या है, मान लीजिए अगर आपको ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब निकालना है। ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए क्यूब मीन्स ए को हम तीन बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये ए क्यूब हो जाएगा। तो अब ए कितनी बार आ गया है, 1 2 3 4 5, सो ए फाइव टर्म्स है, तो ए टू द पावर 5। मीन्स इनडायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो है ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब है, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब क्या लिख सकते हैं, ए रेस टू 5 मीन्स ए टू द पावर 2 + 3 मीन्स। ओके, सो इस पर से ट्रिक क्या, मीन्स इसका रूल क्या हो गया, मान लीजिए अगर ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन है, जहाँ पर बेस सेम है दोनों का भी, तो ए को लिख सकते हैं ए रेस टू एम प्लस एन। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। ओके, चलिए सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल में क्या है, मान लीजिए वो ए रेस टू 5 बाई ए रेस टू 3 है। ओके, सो ए रेस टू 5 को हमने 5 बार लिख दिया, ए को 5 बार लिख दिया, डिवाइडेड बाई ए को 3 बार 3 बार लिख दिया। ओके, सो ये 3 बार 3 टाइम्स से कट जाएंगे, तो बचता है सिर्फ ए इंटू ए विच इज़ ए स्क्वेयर। ओके, तो इसे ही हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर को ए रेस टू 5 - 3 मीन्स ए टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, ए रेस टू 5 - 3 मीन्स। तो यहाँ पर रूल क्या हो गया, रूल ये बनता है कि ए टू द पावर एम बाई ए टू द पावर एन मीन्स ए रेस टू एम माइनस एन। ओके गाइस, तो ये था रूल नंबर 2। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ओके, चलिए थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल क्या है, मान लीजिए अगर ऐसा दिया है कि ए रेस टू 5, ओके, ये ब्रैकेट के अंदर है, और फिर इसका क्यूब निकालना है, इसका क्यूब है, तो करना क्या है, कुछ करना नहीं है गाइस, सिंपली क्या करना है, ब्रैकेट का क्यूब है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, ब्रैकेट को हमने ऐसा है 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया है। ऑलराइट, ओके, तो अब हमको पता है फ्रॉम रूल नंबर 1 क्या है, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन है, तो ए रेस टू एम प्लस एन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ए रेस टू 5 इंटू ए रेस टू 5 इंटू ए रेस टू 5, यहाँ पर ये 2 बार मल्टीप्लाई का, वहाँ पर 3 बार है, तो हम क्या करेंगे, ए रेस टू 5 + 5 + 5। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 + 5 = 10, 10 + 5 = 15 मीन्स ए रेस टू 15 आ जाएगा। ओके, सो 15 को ही हम ए रेस टू 5 × 3 ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, सो रूल क्या बनता है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए रेस टू 5 ब्रैकेट क्यूब को ही हम ए रेस टू 5 × 3 लिख सकते हैं। मीन्स रूल क्या बनता है, मान मीन्स ए रेस टू एम इन रेस टू एन है। ओके, तो इसे हम लिखेंगे ए रेस टू एम इंटू एन, एम एन मीन्स एम इंटू एन, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये तो था हमारा रूल नंबर 3। ओके गाइस, ओके, चलिए चौथा रूल देखते हैं। फोर्थ रूल में क्या है, जस्ट मिनट, ओके, रूल नंबर 4 बहुत ही सिंपल सा रूल है। मान लीजिए ए क्यूब इंटू बी क्यूब दिया है, तो यहाँ पर बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, लेकिन पावर सेम है या फिर एक्सपोनेंशियल से इंडेक्स सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब को 3 टाइम्स है, बी क्यूब को 3 टाइम्स भी लिख दिया। ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं, एक बार ए लेंगे एक बी लेंगे। ओके, सो ए इंटू बी लिख दिया, फिर अगेन दूसरा ए और सेकंड बी, सो ए इंटू बी, अगेन थर्ड ए और थर्ड बी, सो ए इंटू बी, सो ए इंटू बी कितनी बार आ गया है, 3 बार आ गया है, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी ब्रैकेट क्यूब, ठीक वैसे ही जैसे ए इंटू ए को हम लिखते हैं ए क्यूब, उसी तरह ए इंटू बी ब्रैकेट, ये जो 3 बार मल्टीप्लाई है उसको लिखेंगे ए इंटू बी ब्रैकेट क्यूब। सो मीन्स और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए क्यूब इंटू बी क्यूब, सो रूल क्या बनेगा, ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम, ओके, इज इक्वल टू वॉट,
ए इंटू बी टू द पावर एम। ओके मीन्स जब भी हमें बेस बेस सेम हो, बेस बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो क्या करेंगे, बेस का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और पावर को ब्रैकेट के और ब्रैकेट का पावर ले लेंगे। ओके गाइस ठीक है, चलिए अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 5 क्या है, सिंपल रूल है। अब यहाँ पर क्या है, ए क्यूब डिवाइडेड बाई बी क्यूब है, सो क्या करेंगे, ए इंटू ए 3 times, बी इंटू बी 3 times। ओके सो सिंपली क्या करेंगे, ए बाय बी एक बार लेंगे, ए बाय बी एक और बार लेंगे और अगेन एक ए बाय बी ले लेंगे। ठीक है सो ये 3 times ए बाय बी हो गया, सो इसे ही हम लिख सकते हैं ए बाय बी ब्रैकेट क्यूब। ओके एंड लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी ए क्यूब डिवाइडेड बाई बी क्यूब। सो रूल क्या हो जाएगा इसके अनुसार कि ए रेस टू एम डिवाइडेड बाई बी रेस टू एम आई। ओके मीन्स पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो ए बाई बी टू द पावर एम ऐसा लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। ओके तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 5। ठीक है गाइस ठीक है, चलिए अभी रूल नंबर 6 और 7 के लिए एक ही है। मान जैसा कि बताइए कि 3 का क्यूब 20 3 का स्क्वायर 9 3 to the power 1 3 आ जाएगा, 3 to 0 1 आ जाएगा। ओके ठीक है, और 3 to -1 मीन्स 1/3, यहाँ पर एक्चुअली 1/3 है, ये 1/3। 3 to the power -2 मीन्स 1/3 square। ओके गाइस 1/3 square यहाँ पर है, और 3 to -3 मीन्स 1/3 cube। ओके ये तो इतना था, अब देखा जाए तो 3 cube 27 है और 3 to -3 मीन्स यहाँ पर यहाँ पावर क्या था, +3 था तो 27 आया, और यहाँ पर -3 हो गया तो 1/27 आ गया। ओके ये तो हमने इन दोनों को कंपेयर कर दिया। अब 3 to 3 का स्क्वायर वाला टर्म देखते हैं, 3 का स्क्वायर 2 है, 3 के स्क्वायर को 9 लिखते हैं और 3 to -2 को 1/9 आ गया। सो इस दोनों को भी हमने ऑब्जर्व कर लिया। ओके तो इस पर से हम क्या लिख सकते हैं, चलिए ठीक है, a^0 = 1 है तो हर तरफ ही आ जाएगा, लेकिन a^-m = 1/a^m मीन्स जैसे कि यहाँ पर दिया है कि a रे मीन्स 3^-2 क्या लिख सकते हैं, 1/3 square। ठीक है 3^-2 = 1/9 और 3^2 9, सो उसका रेसिप्रोकल कर लिया तो 3^-2 का वैल्यू आ जाएगा। ओके सो इसी मेथड से हमने a^-m = 1/8m लिख दिया है। ओके एंड इसे ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a^m = 1/8m, जस्ट ये डिनोमिनेटर को इधर ले जाने का और इसको इधर लेके आने का। ओके अगर इनका हम पोजीशन शिफ्ट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ओके गाइस ऑल राइट चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। आई थिंक ये दिस इज द लास्ट रूल। ओके इसमें दिया क्या है, मान लीजिए कि a^(1/2) है ठीक है गाइस, और ब्रैकेट का स्क्वायर है ठीक है। तो हमने इसको लिखा था कि अगर a^m है और (n) है तो हम क्या लिखेंगे, a^(m)(n). सो उसी तरह से a^(1/2) इन ब्रैकेट स्क्वायर है तो a^(1/2)(2) लिखेंगे, सो विच इज इक्वल टू a। ओके सो अब यहाँ पर स्क्वायर, ओके तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इधर बच जाएगा a^(1/2) और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a विच इज सिंपली रूट a। ओके सो ये a^(1/2) को हम ऐसा लिख सकते हैं। फाइनली कंक्लूजन क्या निकल गया था कि a^(1/n) है तो उसे हम nth रूट ऑफ a लिख सकते हैं, सिंपल एज इट इज। जैसे कि यहाँ पर a^(1/2) है तो हमें हमने स्क्वायर रूट ऑफ a लिखा था, तो उसी तरह से a^(1/n) है तो उसे nth रूट ऑफ a भी लिख सकते हैं। ओके एंड मान लीजिए कि अगर यहाँ पर a^(m/n) है ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पर वो m से मल्टीप्लाई किया है तो हम क्या लिखेंगे, nth रूट ऑफ a^(m). ओके मीन्स nth रूट ऑफ a^(n)m। ओके गाइस ऑल राइट तो ये थे 8 rules और फाइनली हम क्या करेंगे, शॉर्ट्स के रूल देखते हैं। ये भी बहुत इजी है, इसमें क्या है, a^(1/m) × a^(1/n). ओके तो हम सिंपली बेस सेम है तो पावर्स का एडिशन, a^(1/n) + 1/n अगेन a^(1/m) = 1/n है तो हम क्या करेंगे, पावर्स का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ओके
अब यहाँ पर ए टू द पावर वन बाई एम बाई ए टू द पावर वन बाई एन है, बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे पावर्स का सब्सट्रैक्शन कर देंगे। और यहाँ पर सेम, यहाँ पर पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो बेस का मल्टीप्लीकेशन कर से बेस का मल्टीप्लीकेशन करके पावर को रख देंगे ऊपर। और फाइनली में क्या है, बेस में बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, और यहाँ पर डिवीजन है तो ए बाई बी टू द पावर वन बाई एन लिख देंगे। ओके सो ये तो कुछ शर्ट्स हैं एंड इंडेक्सेस के रूल्स। ओके सो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी या फिर कोई डाउट है तो अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई देंगे। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोज़ और कंटेंट देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन दबाना भूल ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। ओके सो थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए डू वेल।